कोरोना महामारी ने देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उससे कोई अछूता नहीं है। कोरोना वायरस के कारण कई इलाके ऐसे हैं जहां सामान्य मरीज को भी इलाज नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अस्पताल की कमी को पूरा करने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ट्रांस हिंडन के क्षेत्र में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है और सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज खोड़ा और वैशाली से हैं। इसके लिए मानसरोवर स्थल जो कि इंदिरापुरम में बनाया गया है उनको अस्पताल बना देना चाहिए। इस साल मानसरोवर यात्रा स्थगित कर दी गई है, जिसके लिए उस स्थल को सरकारी अस्पताल में तब्दील किया जाए। जो गरीब लोग कोरोना से पीड़ित हैं वहां पर उनका सही से इलाज हो सकेगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से ये एक अनुरोध किया है पत्र के माध्यम से कि गाजियाबाद जिले में जो ट्रांसजेंडर क्षेत्र है, इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी, वसुंधरा, सूर्यनगर, खोड़ा, चंद्रनगर, जिसकी आबादी 15 लाख से अधिक है, इस क्षेत्र में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैलाश मानसरोवर भवन का शिलान्यास किया था और ये भवन लगभग बनकर तैयार है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया है कि इस वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा संपन्न नहीं होने जा रही, तो वर्तमान में इस भवन को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए कर दिया जाए और भविष्य में, चूँकि उस क्षेत्र में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं कि इस भवन की टॉप फ्लोर को कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए उपयोग में लाया जाए और जो बाकी बिल्डिंग है उसको हम अस्पताल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इससे जनता का भी भला होगा और जो हमारे कैलाश मानसरोवर यात्री हैं उनको भी भला होगा। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि जब कैलाश मानसरोवर यात्री जाते हैं तो उनका भी एक फॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि कैलाश पर्वत काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है मानसरोवर जो है, तो वहाँ जाने से पहले एक नॉर्मल टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट भी वहीं उसी भवन में हो जाएगा। तो ये सबके लिए एक अच्छा होगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक अच्छे प्रशासक हैं, जो एक अच्छे राजनेता हैं, एक कर्मयोगी भी हैं और एक धर्मगुरु भी हैं, वो इस बात को बखूबी समझेंगे और जो मैंने एक रिक्वेस्ट उनसे की है उस पर शीघ्र ही वो निर्णय लेंगे। इससे ट्रांसजेंडर क्षेत्र के जितने हमारे भाई बहन हैं उनका भला होगा, मुझे ऐसी आशा है। तो वहीं गाजियाबाद के सीएमओ के मुताबिक खोड़ा, वसुंधरा, इंदिरापुरम, कौशाम्बी, वैशाली, इन सभी जगहों में हम लोगों ने सेक्टर स्कीम लागू की है, जहां पर लगातार लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। दो प्राइवेट अस्पतालों ने हमसे बात की है, जिसमें उन अस्पतालों ने कहा है कि वो अपने अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, इसलिए हम इन दोनों अस्पतालों को सरकारी अंडरटेकिंग कर दोनों अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को भर्ती करेंगे जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। सर, मंत्री जी ने लेटर लिखा है ट्रांसजेंडर में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए क्या आपकी तैयारी है, कैसे सैंपलिंग करेंगे आप? नहीं, हम लोगों की जो है वहाँ पर सेक्टर स्कीम लागू कर रखी है हमने। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ विभाग और नगर निगम तीनों की टीम एक साथ कार्य कर रही है। 5 सेक्टर्स में हमने पूरा विभाजित कर रखा है। पूरी टीम वहाँ पर पूरी एम्बुलेंसेस के साथ, सैनिटाइजेशन की टीम के साथ, मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, उसमें सैंपल कलेक्शन के लिए बूथ भी हमने इस तरह का बनाया गया है कि एम्बुलेंसेस के पास बूथ भी रहे और जो भी सस्पेक्टेड ILI के केसेस हैं या कंफर्म्ड केसेस के कॉन्टैक्ट्स हैं या कुछ इस तरह का जो हाईली सस्पेक्टेड ग्रुप में आते हैं, उनका हमारी टीम द्वारा समय समय पर सैंपल लिया जा रहा है। दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए सर वहाँ बात की गई है कि दो हॉस्पिटल उसको भी सरकारी हॉस्पिटल की तरह काम करवाएंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी की गई? नहीं, ये बात मेरी संज्ञान में नहीं है, लेकिन हाँ, जो है ना, दो अस्पताल हैं प्राइवेट, उन्होंने अपना हॉस्पिटल्स उस ट्रांसजेंडर क्षेत्र के ही हैं, उन्होंने हमारे यहाँ एप्लीकेशन दी है कि हम लोग अपना पूरा हॉस्पिटल डेडिकेटेड करके और एज ए पेड सर्विसेज देना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख गाजियाबाद के हालातों के बारे में जानकारी तो दी,
तो वहीं सीएमओ ने सफाई देते हुए कह दिया कि प्राइवेट अस्पतालों से बात चल रही है, जल्द ही कोविड 19 डेडिकेटेड अस्पतालों का निर्माण कर लिया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा सांसद द्वारा लिखे गए पत्र पर ठोस कदम उठाया जाता है या फिर ये पत्र महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।